अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू तस्वीर ग्राफिक। मैं आपका टीचर शेरियार खान। एडोब इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि एडोब फोटोशॉप बेस्ट है या एडोब इलस्ट्रेटर बेस्ट है। तो उनके लिए बताते चलूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो हम वेक्टर इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड एडोब फोटोशॉप जो है वो हम फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप में यही दो डिफरेंस है कि एक फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है एंड एक डिज़ाइन के लिए होता है। अगर हम स्पेसिफिक एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें तो इसको हम वेक्टर आर्ट या वेक्टर इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। लोगो, हम इसमें लोगो बना सकते हैं, इसमें बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, छोटे आइकन बना सकते हैं, एंड मल्टीपल कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ई बुक हो गया, पोस्टर डिज़ाइन हो गया या बिलबोर्ड डिज़ाइन हो गया, इसमें हम मल्टीपल चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। जो मेरे पास है वो मैं यूज़ करता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर CC 2017। तो इसमें अगर किसी ने एडोब फोटोशॉप यूज़ किया हो तो उसको ये चीज़ें तकरीबन सेम लगेगी, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो ये टूल्स आपको शो हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं टूल बार। अगर हम इसको उठा के सेंटर में लाएं तो आप देख लें इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जो हम ये न्यू क्लासेस में हर एक टूल को डिस्कस करेंगे। तो मैं वापस इसको रखता हूँ अपनी जगह पे, और अगर हम राइट साइड पे देख लें, इसको हम पैनल्स कहते हैं। अगर मैं डबल एरो को ओपन करूं तो ये हमारे पास होता है। अगर आपको जगह ज़्यादा चाहिए तो इसको आप बंद ही रखें, वैसे मैं ओपन ही रखता हूँ, क्योंकि मैं जब काम करता रहता हूँ तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह मैंने अपने लिए ये सेट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मैं बंद कर रहा हूँ इसको। चलिए हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। फाइल में जाएंगे तो न्यू पे क्लिक करें इसको, और इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एन के साथ भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में मैंने A4 को खोला था, जो प्रिंट में होता है। अगर हम कोई मोबाइल का इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारे पास उसकी डायमेंशन और सब चीज़ें हैं इसमें, ये वेब के लिए, ये प्रिंट के लिए, ये फिल्म एंड वीडियो के लिए, एंड ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए। मैं प्रिंट में जाऊंगा। अगर मैं अभी अपने लिए कोई फाइल ओपन करता हूं या कोई डिज़ाइन बनाता हूं तो मैं लेटर पे भी क्लिक कर सकूँ। आपको जो पसंद हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं F4 पे क्लिक कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई डायमेंशन है तो आप अपने डायमेंशन यानी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंचज, अगर आपके पास इंचज, आप इंचज पे क्लिक करेंगे तो इंचज में आपके पास ये शो हो जाएगा। अच्छा, तो मैं खोलता हूँ A4 डिज़ाइन, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद ये मेरे पास A4 पे शो हो रहा है। अगर हम दोबारा जाएं न्यू में, अगर मैं ये A4 है मेरे पास, अगर मैं इसको आर्टबोर्ड अगर 2, 3, 4, 5 बल्कि 6 कर लेता हूँ, मैं लेट सपोज क्रिएट कर लूँगा, तो ये मेरे पास 6 आर्टबोर्ड हो जाएंगे। अगर इसको हम मल्टीपल कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर मुझे ई बुक बना रहा हूँ तो मैं इसको मल्टीपल पेजेस के लिए यूज़ करता हूँ। तो चलिए इसको कट करते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ये प्रीवियस वाला भी कट कर लेता हूँ इसको। अच्छा, तो ये पहला टूल जो हमारे पास है इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल, जो आपको ब्लैक शो हो रहा है, और ये दूसरा जो है ये वाइट आपको शो हो रहा है, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। मैं अभी आज के क्लास में सिर्फ
सिलेक्शन टूल को यूज करूंगा। और इसकी शॉर्टकट की जो है वो आपके पास शो हो रही है वी। अगर मैं लेट सपोज इसको इसको क्लिक करूं और डायरेक्ट वी को प्रेस करूं, तो ये देखें आपको ब्लैक जो शो हो रहा है इसको सिलेक्शन टूल कहते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी काम का नहीं है अगर आपके पास कोई शेप ना बना हो। तो मैं सबसे पहले कोई शेप बनाता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल टूल है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो रेक्टेंगल टूल बनाते हैं। अगर आप राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करें तो ये इररेगुलर शेप में आपके पास इररेगुलर शेप में होगा। अगर हम शिफ्ट दबाएं साथ तो ये बिल्कुल स्क्वायर होगा, और अगर हम शिफ्ट के बगैर इसको करें तो कोई डिजाइन ऑफ फ्रीली हम इस कोई डिजाइन भी बना सकते हैं, देख लें आप। और अगर मैं शिफ्ट के साथ करूं तो ये मेरे पास स्क्वायर शो होगा, और अगर मैं इसको एक क्लिक दूं तो ये मेरे पास डिफाइन करेगा कि आपको किस इंच में विड्थ में चाहिए, कितने विड्थ में चाहिए। मैं लेट सपोज 4 देता हूँ और हाइट में लेट सपोज 5 देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गए। लेट सपोज मैं कोई स्क्वायर बनाना चाहता हूँ 4x4 का, देखिए ये मेरे पास स्क्वायर शो है। तो चलें इसको कट कर लेते हैं। पूरे सब चीजों को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट क्लिक करें तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम स्क्रॉल स्क्रॉल ऊपर नीचे करें तो ये देखिए मेरे पास जो आर्ट बोर्ड है ये हिल रहा है, सही है। और अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करके स्क्रॉल को ऊपर करूं तो ये देख लें लेफ्ट साइड पे ये जा रहा है, और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये राइट साइड पे जा रहा है। और अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करूं और स्क्रॉल को ऊपर करूं तो ये देख लें जूम इन हो रहा है, और अगर मैं स्क्रॉल को डाउन करूं तो ये जूम आउट हो रहा है। तो ये शॉर्टकट कीज हैं, ये आप सीख लें तो बेहतर होगा आपके लिए। चलें हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, सॉरी। शिफ्ट को प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो ये देख लें आपके पास एक स्क्वायर बन गया। और इसमें अगर आप देख लें जो ये दो है, इसमें जो व्हाइट है ये आपका फिल नजर आ रहा है, और जो ब्लैक है ये आपका स्ट्रोक नजर आ रहा है। अगर मैं इसको इस साइड पे लाऊं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। अगर मैं इसको फिल को ऑफ कर लेता हूँ तो ये देख लें सिर्फ मेरे पास स्ट्रोक रहेगा, और अगर मैं फिल को ऑन रखूं और ये स्ट्रोक को ऑफ करूं, सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, आप सेलेक्ट करके फिर क्या करें। अगर मैं इसको वाइट कर दूं और स्ट्रोक को बंद कर दूं तो ये देख लें आप ये बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है। और अगर मैं इसके फिल को भी ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं, अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह माउस स्ट्रोक पे लगेगा तो ये ब्लू नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ पड़ा है। तो मैं इसको वापस फिल कर लेता हूँ और इसको स्ट्रोक ऑन कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन टूल पे हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे, सिर्फ मैं आपको स्लोली सब टूल समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हम किस तरह एक एक टूल को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है, अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूँ और आप सेलेक्ट कर दूँ तो ये देख लें ये मेरे पास जो पॉइंट्स है ये डिफाइन हो रहे हैं। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, अगर मैंने शिफ्ट ना ना दबाया हो तो
तो ये इररेगुलर शेप में बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको कंट्रोल जेड अंडू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल जेड, और अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको ड्रैग करूं तो ये स्क्वायर में बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो ये देख लें, अगर आप एक ही किसी भी कॉर्नर पे लाएं तो ये आपके पास जो एरो शो हो रहा है ये रोटेट का है, तो ये हम रोटेट कर सकते हैं। अगर अगर मैं इसी की डुप्लीकेट बनाना चाहूँ कोई भी, तो हम मैं इसको प्रेस करके आल्ट प्रेस कर दूँ तो ये मेरे पास डुप्लीकेट बन जाएगा इस तरह। और अगर मैं इसके मल्टीपल डुप्लीकेट बनाना चाहूँ और इसी की डुप्लीकेट बनाना चाहूँ तो आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करके आपके पास डुप्लीकेट बन गया इसका। तो मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। ये देख लें, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बनाना चाहूँ तो ये बना सकता हूँ मैं इसको आल्ट, लेकिन आप आल्ट जरूर प्रेस करेंगे। और लेट सपोज अगर मैं इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहूँ और इसी के नीचे के कोई मिस्टेक ना हो मुझसे, तो मैं आल्ट प्रेस करके थोड़ा सा शिफ्ट दबा लूंगा। देख लें, अगर मैं शिफ्ट ना दबाया अगर मैंने शिफ्ट ना दबाया तो ये फ्रीली मूव होगा, और अगर मैं इसके साथ शिफ्ट दबाऊं तो ये बिल्कुल सेंटर पे होगा इसके, देख सकते हैं आप। चलें कोई अच्छा सा डिजाइन बनाते हैं, मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिए, मैं इसकी डुप्लीकेट लूंगा आल्ट के साथ और शिफ्ट प्रेस किया मैंने, ये देख लें, और कंट्रोल डी के साथ इसके मल्टीपल डुप्लीकेट ले लेता हूँ। और मैं इस सब को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करूंगा और आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके कोई डिजाइन बना लूंगा ये आपके पास, और कंट्रोल डी दबा लूंगा। तो ये देख सकते हैं आप, एक अच्छा सा पैटर्न बन गया हमारे साथ। अगर अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूं और कंट्रोल जी दबाऊं तो ये मेरे पास ग्रुप हो गया, अगर मैं किसी एक को भी मूव करूं तो सब सब मूव होंगे क्योंकि मैंने इसको ग्रुप किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है। तो मैं ये देख सकते हैं, ये अनग्रुप कर लेता हूँ मैं इसको। और अगर मैं इस लेयर को शिफ्ट आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये और भी सिलेक्ट होंगे, इसको डिलीट करूं तो ये देख लें आपके पास वो डिलीट हो गया। और अगर मैं इसको अनडू करके चलें कोई कलर डालते हैं इसमें, ये देख लें व्हाइट है, इसकी जगह हम कोई और कलर डाल लेते हैं, जिस तरह ये इसको हम डाल लेते हैं, तो ये देख लें ये कलर आ गया। अगर मैं इसका शिफ्ट दबाने के बाद मैं अगर जो मैंने सेलेक्ट किया इसके इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ब्लैक करना चाहूँगा, तो ये मेरे पास जो मैंने सेलेक्ट किए थे जो स्क्वायर उनका कलर चेंज हो गया है मेरे पास। अब मैं इसको अनडू करके कोई और शेप बनाता हूँ। ये मेरे पास रेक्टेंगल टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीकॉन है, और स्टार टूल है, ये और फ्लेयर टूल है, तो मुख्तलिफ टूल है हमारे पास, शेप्स हैं जो हम यूज करेंगे आगे फर्दर। अगर और मैं सॉरी एक चीज भूल गया हूँ मैं, अगर मैं इस जो आप टूल बार में देख सकते हैं जिसके पास ये छोटा सा ये एरो आपको शो हो रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ राइट क्लिक करूँ
तो ये मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। जिस तरह अगर मैं ये देख लें शेप्स हैं, इसमें अगर इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो ये मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं मुझे। तो मैं एक पॉलीगॉन को क्लिक करता हूँ, एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। देख लें आप, इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ मैं। इसके मल्टीपल डुप्लीकेट बन गए मेरे पास। अब इसको एक डुप्लीकेट करूंगा और मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा क्योंकि मैं फिर ये इस तरह कोई अच्छा सा पैटर्न नहीं बना सकता। अगर मैं ऑल प्रेस करूँ, सॉरी, आप जूम करके कर लिया करें ताकि आपको पता चले कि मेरा डिजाइन सही बन रहा है या नहीं। सॉरी, मैंने आर नहीं दबाया था इसके साथ। ये देख लें, तकरीबन जो डिस्टेंस यहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे प्लेस किया है। और अब इसका एक डुप्लीकेट लूंगा मैं नीचे और कंट्रोल डी प्रेस करके इसके मल्टीपल डुप्लीकेट ले लूंगा, कॉपीज अगर आप डुप्लीकेट करते हैं यहाँ तो। मैं इन सब का डुप्लीकेट ले लेता हूँ। सॉरी, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। अगर मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस कर लूँ, ये देख लें हनीकॉम बन गया मेरे पास, एक अच्छा सा पैटर्न बन गया मेरे पास। आप किसी भी बैकग्राउंड में इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कलर कोई चेंज दूसरा कलर चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। जिस तरह मैं ब्लू ब्लू कलर यूज करता हूँ, देख लें, जूम करके देख लें कितना अच्छा लग रहा है ये। तो आप डिफरेंट कलर यूज करते हैं कर सकते हैं इसमें सेलेक्शन टूल में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायरेक्ट सेलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलेक्शन टूल हम किस तरह यूज कर सकते हैं। आज के क्लास में तो मैंने कवर कर लिया सिलेक्शन टूल को कि आप किस तरह शेप बना सकते हो और सिलेक्शन टूल को किस तरह यूज कर सकते हैं। जो नए हैं इस चैनल पे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो क्लास हो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आए कि हमने इस क्लास में कौन सा टूल यूज़ किया है, ताकि आप वो क्लास मिस ना करें। और अगर इसी क्लास के मुतालिक आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं या मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर लूँगा, तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल जो है वो तस्वीर ग्राफिक के नाम से है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह एक और टूल यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।